अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर रबिया। वेलकम टू अनदर वर्चुअल लेक्चर ऑफ क्लास सिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जी तो आज हम अपन लोगों का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक और सेंस ऑर्गन आज हम लोगों ने पढ़ना है। आप लोगों को पता है हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है सेंस ऑर्गन्स। उसके ना हमने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो हैं अब तक पढ़ ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आई पढ़ा है, ईयर पढ़ा है, इसके अलावा हमने स्किन पढ़ी है। हम लोगों को पता है कि ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये एक स्पेसिफिक जो सेंसेस हैं उनके लिए एक्टिव होते हैं। और आई बेसिकली हम लोग आई से हम लोग देखते हैं। आई इज़ बेसिकली एन ऑर्गन ऑफ साइट, ईयर इज़ बेसिकली एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, एंड स्किन इज़ बेसिकली एन ऑर्गन ऑफ टच। ठीक है, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है सेंस ऑर्गन वो है नोज़। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, 5 सेंसेस होती हैं हमारी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 5 सेंस ऑर्गन्स भी हम लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि नोज़ बेसिकली क्या है। नोज़ आप लोगों को पता है कि ये एक ऑर्गन ऑफ स्मेल है। अगर हमने किसी भी चीज़ को स्मेल करना हो तो हम नोज़ से ही उसको स्मेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर भी देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाई है। एक गर्ल है जो कि एक फ्लावर को जो है स्मेल कर रही है, कि उसकी जो स्मेल को डिटेक्शन जो कर रही है वो कर रही है अपनी नोज़ से। ठीक है, इस तरह से जो फूड फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छा सा खाना बन रहा हो तो उसकी जो स्मेल है वो सबसे पहले हमारी नोज़ जो है वो डिटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉय है जो कि कुकीज़ की जो स्मेल जो है उसको डिटेक्ट कर रहा है। और फिर इस तरह से हम जो है ये इस बात को कंक्लूड करते हैं कि वो स्मेल अच्छी है या स्मेल प्लेजेंट है, या जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट है। ठीक है जी, अब जो स्नोज़ है हमारी वो हर तरह की जो स्मेल है उसको डिटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगाया है तो उसकी भी जो जैसी फ्रेगरेंस होती है वो हमारी जो स्नोज़ है वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है, वो है कि जो हमारी नोज़ है वो 10,000 डिफरेंट जो सेंट्स और स्मेल है उसको जो है वो कर लेती है ये डिटेक्ट। ठीक है, 10,000 टाइप्स ऑफ स्मेल। ठीक है, अब आप लोग ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो जो नोज़ है उसका कितना वास्ट फंक्शन है कि वो हर तरह की जो स्मेल है उसको डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हमारी जो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक और यहाँ पर लाइन लिखी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर हमारी जो है सेंस ऑफ स्मेल अगर चली जाएगी तो हम अपना फूड भी टेस्ट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया है कि हमने कोई भी फूड खाना होता है तो हम सबसे पहले जो है उसकी जो एक स्मेल होती है ना, एक एपिटाइजिंग जो एक अपीलिंग स्मेल है वो हमें जो है अट्रैक्ट करती है फूड की तरफ। ठीक है, बेशक हमने फूड को भी देखा भी नहीं है लेकिन जो उसकी स्मेल है ना वो हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर हम जो अगर हमें उसकी स्मेल अच्छी लगे तो फिर हम वो फूड जो है वो टेस्ट करते हैं। अगर हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो डैमेज हो जाएगी या किसी भी कोई भी रीज़न के कोई इस तरह की कोई वायरल डिजीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोरोना है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो दोनों एक साथ क्यों जाती है, क्योंकि ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर हम लोग की जो है ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उस पर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ेगा, जो ऑल्फेक्शन की जो हम लोग की एक एबिलिटी है वो डैमेज होगी तो हमारी जो साथ ही जो टेस्ट की एबिलिटी है वो भी बिल्कुल जो है डैमेज हो जाएगी। और फिर हम कोई भी चीज़ जो है ना ही टेस्ट कर सकेंगे ना ही हम उसको जो है स्मेल कर सकेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को फ्लू हो गया है या किसी की जो है ब्लॉक नोज है वो जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है नॉर्मल भी जैसे हम कहते हैं कि फ्लू हो गया और जो है नोज़ जो है वो हमारी ब्लॉक है और हम जो है कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि वही बात हो गई कि जब तक हम उस फूड को स्मेल नहीं करेंगे वो हमारे जो स्मेल के जो नर्व्स हैं वो एक्टिव नहीं होंगे तो तब तक हम फूड को अच्छी तरह से टेस्ट भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम चलते हैं कुछ आगे, नोज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। अब हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है कि नोज़ का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब ये हेडिंग्स मैं इसलिए बना देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली आप लोग इसको समझ लें। अवर नोज़ इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ पैसेज वे। ठीक है, एक पैसेज वे मीन्स कि एक रास्ता, पैसेज वे मीन्स एक रास्ता होता है।
अच्छा जी, एयर पैसेज वे बेसिकली हम लोग की जो नोज़ है, आप लोगों ने देखा है कि टू ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। उस नोस्ट्रिल से क्या होता है कि एयर जो है वो मूव इन होती है और फिर जो है मूव आउट होती है। इससे तो है इसके जो इस मूवमेंट से क्या होता है कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सराउंडिंग्स में किसी भी टाइप की कोई स्मेल है हम उसको जो है डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, नोज़ की आप लोगों ने पढ़ा है कि दो साइड्स हैं, दो नोस्ट्रिल्स हैं, तो हर जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर जो है एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एयर चैम्बर्स मींस के वो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जहाँ से जो है एयर पैसेजवे चलता है, जहाँ से एयर जो है पास इन और पास आउट हो रही होती है। ठीक है जी, अब जो हमारी जो नोज़ की रूफ़ होती है उसके ऊपर जो है लाइनिंग होती है नर्व सेल्स की, वो जो नर्व सेल्स होते हैं वो बेसिकली स्मेल करने में जो है हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, वो सेंस ऑफ स्मेल को एक्टिवेट करते हैं, जो जो नर्व सेल्स की लाइनिंग हमारे जो है नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम भी देख रहे हैं, ये देखें जी डायग्राम, ये नोस्ट्रिल्स हैं, साथ ही ये नर्व्स जा रही हैं नेजल कैविटी इस तरह से, और ये ब्रेन और माउथ आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये नोस्ट्रिल्स और माउथ जो है ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब वही जो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो हैं ये साइड बाई साइड वर्क करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है फंक्शन ऑफ नोज़, के नोज़ का बेसिकली फंक्शन क्या है, वो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते भी जा रहे हैं कि नोज़ ने क्या करना होता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो स्मेल्स हैं उनको डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नर्व सेल लाइनिंग हम लोगों की जो नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, जो नोज़ की रूफ सरफेस पर प्रेजेंट है, जो हमारी जो नोज़ है वो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्डर्स है, जो डिफरेंट टाइप्स की जो स्मेल है उसको डिटेक्ट करती है। ठीक है, जो भी हमारी प्रेजेंट होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे ही कोई स्पेसिफिक काइंड की किसी भी तरह की जो स्मेल है, चाहे वो प्लेजेंट है चाहे वो अनप्लेजेंट है, वो हमारे जो एयर में प्रेजेंट होती है और हमारी नोज़ के अंदर जैसे ही वो एंटर करती है, तो क्या होता है कि वो जो नर्व सेल्स होते हैं ना हमारी नोज़ के अंदर, वो उसको टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही नर्व सेल्स एक्टिव होते हैं तो फौरन से जो क्या है वो सेंसरी मैसेज जो है वो ब्रेन को सेंड करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि हमारी नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि जितने भी नर्वस मैसेजेस होते हैं ना वो ऑल्फैक्टरी नर्व लेके जाती है ब्रेन तक। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैसेज पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स, तो क्या होता है कि जो ब्रेन वो हमें बता देता है कि जो स्मेल है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि जो हर हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा है उसके अंदर जो ब्रेन है वो हर तरह से जो है इंटरकनेक्टेड है, ब्रेन ही हमें हर चीज़ जो है वो बता रहा है। तो इसलिए आप लोग देखेंगे हम लोग का जो ब्रेन है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी हम लोग चीज़ सेंस कर रहे हैं ना वो हमें बताना ही ब्रेन ने है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन है वो सिर्फ हमें सेंस कर रहा है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो हमें वो ऑर्गन नहीं दे रहा, वो बेसिकली कौन दे रहा है, वो ब्रेन दे रहा है। ठीक है, जैसे ही कोई भी मैसेज जाता है तो ब्रेन जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। डेट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ नोज। ठीक है जी, हम लोगों ने पढ़ लिया है, साथ आपको मैं देने लगी हूँ आज एक होमवर्क, इसके अंदर आपने बताना है कि नोज़ का फंक्शन क्या है। अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, और फिर जो है स्पेसिफिकली फंक्शन भी पढ़ा है। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपको बुक से कोई थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप ये मेरा लेक्चर भी सुन लें, और ये जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर तो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा, और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। सो आप लोगों ने होमवर्क करना है अपना, और कोई भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।